वेलकम गाइस, ये देखिए आज अपने पास ये स्टेला कंपनी का गाड़ी आया है। पिछली बार भी आया था, अभी देखो उसका पूरा ब्रेकडाउन गाड़ी हुआ है। ये हमें इधर चेक करते हैं, इसका डिस्प्ले चालू करते हैं लगे तो डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका भी अभी चेक कर रहा है, मेरा तो डाउट है बैटरी पे जा रहा है। मैं आपको दिखा दूँ बैटरी कैसा चेक करना है। आप डायरेक्ट बाहर से भी चेक कर सकते हैं, पहले आपने एम सी भी देखना है। पहले मैं एम सी भी देखता हूँ, एम सी भी ओके रहेगा। ये देखो एम सी भी ये चालू है, एम सी भी का प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इधर आप बैटरी लगा के अपना मल्टीमीटर लगा के नीचे से अपना उसका वोल्टेज चेक करते हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए मल्टीमीटर पे हमने 200 पे लगाया है, 200। ये अपना 200 पे लगाने के बाद ये देखो ऊपर अपना मीटर 0-0 दिखा रहा है। अब इधर अपना जो प्लस माइनस है इधर लगाएंगे, इधर ऊपर, और बैटरी पे देखेंगे करंट कितना आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है, तो बैटरी वोल्टेज ही नहीं दिखा रहा है। देखो एक दिखा रहा है, दो दिखा रहा है, ऐसा कुछ दिखा रहा है ना। बैटरी का ही डाउट है क्योंकि इसका और कुछ एमसीबी का कोई कनेक्शन नहीं है। और थोड़ा कम कर देता हूँ, देखता हूँ कुछ दिखा रहा है क्या। इसका और एमसीबी का कुछ भी कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है अपना, और डायरेक्ट उधर से बैटरी हो जाती है। अभी मैं आपको सीट खोल के दिखाता हूँ, सीट खोल डायरेक्ट बैटरी पर आपको डायरेक्ट बैटरी पर भी चेक करना है। अभी मैं सीट खोलता हूँ, उसका निकल दिया है हम। मैंने तो आपका ऊपर का सीट निकल दिया है, इधर लगा के देखो कुछ स्पार्क नहीं कर रहा है। जब भी बैटरी में करंट रहता है तब इधर स्पार्क 110% करेगा। अभी ये देखो इधर टच कर रहा हूँ तो स्पार्क नहीं हो रहा है, यानी बैटरी अपना करंट ही नहीं दे रहा है। अभी बैटरी का क्या इशू है, बैटरी चार्जिंग नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है वो अभी बाद में देखेंगे हम, लेकिन ये तो अपना पहला देखना ही है। अभी जो अपने अभी चेक किया जो मल्टीमीटर से, फिर से वही चेकिंग करना है क्योंकि कभी कभी कनेक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, कनेक्शन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इधर से भी फिर से चेक करेंगे। वही 200 पे लगाएंगे डीसी करंट, और इधर अंदर डालेंगे प्लस माइनस कैसे भी डालें। ये देखो बैटरी डाउन में जा रहा है, 1.5 वोल्टेज दिखा रहे हैं, यानी कुछ भी नहीं है वोल्टेज। ये मेरे हिसाब से बैटरी कितनी हल्का है मैं दिखा देता हूँ, दिखा रहेगा सब गया है, लेकिन मेरे हिसाब से 60 वोल्ट का तो बैटरी रह गए, 60 वोल्ट का रहेगा क्योंकि वोल्टेज अभी नहीं दिखा रहा है। चलेगा, मैं आपको जैसे होता है वो दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बैटरी वाले के पास जाना पड़ेगा, वो काम करके दे देगा। थैंक यू गाइस, मैं दिखा आपको इतना भी तो पता चल गया होगा कि बैटरी में का जो प्रॉब्लम है कैसा चेक किया जाता है। तो मैंने अभी इसमें बताया है आपको कि जो बेसिक चीज़ है वो चेक करेंगे तो आपको बैटरी का प्रॉब्लम मिल सकता है। एक बार फिर से हम डायरेक्ट चार्जिंग को भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको डाउट आ रहा तो फिर से चार्जिंग को लगा के देखो चार्जिंग हो रहा है। तो कभी कभी डाउन में गया है तो कभी कभी चार्जर अपने लोग उठाता है, लेकिन कस्टमर का कंप्लेंट ये है कि बार बार ऐसा होता है, 2-2 दिन गाड़ी बंद रहता है, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक चालू होता है। इसके लिए शायद हमें बैलेंसिंग करना पड़ेगा, नहीं तो जो लाइन इसमें जा रही है जो डाउन में जा रही है वो चेक करनी पड़ेगी, तो अपना गाड़ी बैटरी सही हो सकता है। थैंक यू गाइस, बैटरी तो बन जाएगा अपना, हमारे इधर सब बैटरी वगैरह बनता है। हमारा जो सर्विस सेंटर है इधर एरोली दिवा सर्कल मुंबई में आता है, आपकी गाड़ी रहेगी तो आप लेके आ सकते हैं हमारे इधर। हमारे इधर सब चीज़ का काम होता है पूरा, मोटर से लेके बैटरी, कंट्रोलर, कन्वर्टर, सब आपकी पूरी गाड़ी का काम होता है। थैंक यू गाइज़।